तो वो ये है, पहला आदमी बोल रहा है कि इस चीज को पाने के लिए मैं कोई भी काम करने को तैयार हूं, और दूसरा बोल रहा है इस काम को करने के लिए, ये जो मैं अभी कर रहा हूं, मैं अपनी कोई भी चीज गंवाने को तैयार हूं। एक की जिंदगी का मकसद है, जो पहला है पाना, हासिल करना, उस चीज पे कब्जा करना किसी भी तरीके से, बस वो चीज मेरे हाथ में आ जाए, फिर चाहे इसके लिए उसको धर्म के रास्ते पे चलना पड़े या अधर्म के, वो चलेगा, उसको सही काम करना पड़े या गलत करना पड़े वो करेगा। लेकिन दूसरा, उसके लिए अपने अंदर की आवाज को सुन करके, अपने अंदर की मतलब कि अपने दिल की आवाज को सुन करके किया गया कर्म ही इस दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। बस यही एक मकसद है उसकी जिंदगी का, अंदर की आवाज को सुनते जाओ चलते जाओ, सुनते जाओ चलते जाओ, जो होगा देखा जाएगा। और इस गलत फहमी में मत रहना कि जो पहला है उसको दूसरे से ज्यादा मिलेगा, ये सोचना भी मत। जो पहला है ना, उसको चाहे कितना भी मिल जाए, कितनी भी चीजें मिल जाए, कितना भी कुछ हो उसके पास में, लेकिन उसमें और एक भिखारी में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। दोनों का सिर्फ एक काम है, मांगना, मांगना। तो अगर उसको मिला भी, पहले वाले को अगर मिला भी, तो बस इतना ही मिलेगा जितना वो मांग सकता है या जहां तक वो सोच सकता है, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। लेकिन जो दूसरा है, उसको जिस दिन मिलना शुरू होगा ना, बिना कुछ मांगे, बिना मांगे, वो इतना होगा, इतना होगा जितना वो खुद तो क्या इस पूरी दुनिया में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता, सपने में भी नहीं सोच सकता। और इसका जो मैं आपको बोल रहा हूं, एक जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने खड़ा है। और जिस दिन आपने भी मेरी तरह इस रास्ते पे चलना शुरू कर दिया, तो वो दिन दूर नहीं है जब आपके पास सब कुछ होगा, आपके आसपास में जो आपको चाहिए उससे बहुत ज्यादा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी अपना कुछ भी खोने का डर नहीं होगा। चला जाए, चला जाए, चला जाए, ये जाए, वो जाए, कुछ भी जाए, कोई डर नहीं है। और ये डर नाम की दीमक है ना, जो लोगों की आंखों में दिखती है, जो अंदर ही अंदर लोगों को खोखला कर रही है, वो आपके अंदर जाना तो दूर आपको छू भी नहीं पाएगी, छू भी नहीं पाएगी। You will fear us. ना जीने का लालच, ना मरने का डर। जो करोगे यहां से करोगे, और फिर चाहे आपके रास्ते में एक मुश्किल आए या हजार आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे एक आदमी आकर के आपको रोकने की कोशिश करे या एक लाख लोग आकर के आपके सामने खड़े हो जाएं, अरे आपको रोकना तो दूर, किसी में इतना दम भी नहीं होगा कि वो आपको हिला भी सके। क्योंकि उस दिन आप पर खुद उसका हाथ होगा। और फिर अगर आप चाहोगे भी ना, चाहोगे भी, तो भी अपने आप को आगे बढ़ने से नहीं रोक पाओगे। You'll be unstoppable! You will be unstoppable!